खबर भोपाल से है जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की पहल देखने को मिली है। मीट दुकानदारों को जागरूक कर रहे हैं, खुले में मांस ना बेचने की अपील की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने आदेश दिया है जिसके बाद खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध है और ऐसे में अब देखिए मीट दुकानदारों को जागरूक कर रहे हैं, खुले में मांस ना बेचने की अपील की जा रही है। में मांस मछली बिक्री पर प्रतिबंध के सरकार के आदेश के बाद अब खुद लोग जागरूक करने लगे। खासतौर से देखिए ये पीरगेट का इलाका है जहां पर खासतौर से खुद मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो दुकानों पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझाइश दी जा रही है, अवेयरनेस भी किया जा रहा है कि खुले में ना जो मांस मछली का विक्रय है वो ना करें ताकि साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। आप लोग क्या समझाइश दे रहे हैं दुकानों पर जाकर? इसको कवर किया जाए, हमारे सीएम साहब का जो आदेश है हम उसके साथ हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है और पूरी मध्य प्रदेश में ये अभियान हम चलाएंगे कि जहाँ जहाँ ये लोग कारोबार करते हैं किसी दूसरे को उस पर दिक्कत ना पैदा हो और साफ सफाई से कारोबार करें, जो एक होना भी चाहिए, जो होना भी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं दुर्भावना बस ये आदेश सरकार ने पारित किया है, आपको क्या लगता है? सरकार चाहती है कि साफ सफाई हो, कहीं कोई गंदगी ना हो और आपका व्यापार भी चलता रहे और लोग भी सुरक्षित रहे। साफ जो लोग इस बयान के खिलाफ जा रहे हैं उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए, उनकी जरूरत है कि वो अपने आप में बैलेंस नहीं कर पा रहे, उनका वो मानसिक रोगी हैं। वो इतना अच्छा बयान आया है, पहले सीएम है जो आते काम में लग गए, अब उनपे भी हम अगर आरोप लगाएं तो ये हमें चाहिए कि वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना इलाज करा लें। सरकार ने आदेश पारित किया है कि खुले में जो मांस मछली है अंडा ना बिके ताकि किसी प्रकार की लोगों की जनभावना ना खराब हो और साफ सफाई भी रहे, तो आप लोगों का समझाएं? साफ सफाई बिल्कुल, साफ सफाई करेंगे बिल्कुल, यहाँ से पूरे पैक कर देंगे पूरी, बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यदि सरकार की रहेगी वैसी करेंगे हम। लोग जागरूक हो रहे हैं सरकार के आदेश के बाद, अब लोग खुद चाहते हैं कि वो साफ सफाई रखें और अपनी दुकानें जो है वो कवर्ड रखें ताकि ना तो किसी की जनभावना आहत हो और ना ही जो उनके क्षेत्र में है वो गंदगी फैले। तो कुल मिलाकर अब सरकार के आदेश के बाद मुस्लिम वर्ग भी जागरूक हो रहा है और दुकानों पर जाकर लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि सरकार के आदेश का पालन करें ताकि साफ सुथरा शहर रहे, लोगों की जनभावना का भी सम्मान हो।